फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अजय यादव। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज में। वेल दोस्तों, लेकर हाजिर हूं मैं आप सभी के बीच अपना ये बेहद खास प्रोग्राम ट्रेवल रिव्यू, जिसमें आज मैं आप सभी को माता वैष्णो देवी की सैर कराने वाला हूं। जी हाँ, माता वैष्णो देवी की गुफा तो जहाँ प्रसिद्ध है ही, तो वहीं यहाँ आप देखेंगे कि कैसे हंसी वादियों के बीच जहाँ माता विराजमान है, तो वहीं आप ये भी जानेंगे कि आखिरकार कैसे वहां तक पहुंचा जा सके, और साथ ही कैसे जो सिस्टम्स अपग्रेड हो रहे हैं, जो जो कई चीजें जो बदल चुकी हैं वहां पर, जैसे कि हेलीपैड की सुविधाएं और साथ ही कई और सुविधाएं जो आप हमारे इस खास रिपोर्ट में जाने वाले हैं। आज मैं आपको वैष्णो देवी की जहाँ सैर पर लेकर जाऊंगा, तो वहीं क्या क्या प्रसिद्ध चीजें हैं यहाँ पर और कैसी मान्यताएं हैं, आप सभी हमारे आज के इस बेहद खास प्रोग्राम में जानने वाले हैं। तो डालिए नजर हमारे इस खास रिपोर्ट पर और जानिए आखिरकार क्या कुछ है खास वैष्णो देवी में। जी हाँ, आज अपने इस बेहद खास रिपोर्ट में हम आप सभी से बात करने वाले हैं एक और ट्रेवल लोकेशन के बारे में। जी हाँ, आज हम आप सभी को बताने वाले हैं वैष्णो देवी के बारे में। चलो बुलावा आया है, माता ने हमें बुलाया है, जोर से बोलो जय माता दी। जब भी आप वैष्णो देवी मंदिर दर्शन करने पहुंचेंगे तो आपको ये राग सुनने को जरूर ही मिलेगा, और माता का बुलावा आने पर भक्त किसी ना किसी बहाने से उनके दरबार में पहुंच जाता है, और हसीन वादियों में त्रिकुट पर्वत पर गुफा में विराजित माता वैष्णो देवी का स्थान हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां पर दूर दूर से लाखों श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर के पिंड एक गुफा भी स्थापित है। गुफा की लंबाई 30 मीटर और ऊंचाई 1.5 मीटर है। लोकप्रिय कथाओं के अनुसार देवी वैष्णो इस गुफा में छिपी और साथ ही एक राक्षस का वध कर दिया। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि वैष्णो देवी का भव्य मंदिर कटरा से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है, और माँ वैष्णो देवी के मंदिर को भवन कहते हैं। साथ ही साथ ये भवन पहाड़ी पर स्थित है, जिसे वैष्णो देवी पहाड़ी कहा जाता है। इस पहाड़ी की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 5200 फीट है। प्रत्येक वर्ष यहाँ पर लाखों दर्शनार्थी दर्शन के लिए आते रहते हैं। वहीं आप सभी को ये भी बता दें कि लाखों दर्शनार्थी प्रतिवर्ष माँ वैष्णो देवी आते हैं, और कहते हैं कि माता के दरबार में आने वाले हर एक श्रद्धालु की मुराद पूरी होती है। और तो और, हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्यूनल ने माता वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी लगाने वाले भक्तों की सीमा निर्धारित कर दी है, और अब से माता वैष्णो देवी के दरबार में हर रोज सिर्फ और सिर्फ 50,000 श्रद्धालु ही एक दिन में माता के दर्शन कर सकेंगे। आप सभी को ये भी जानकारी देते चलें कि वैष्णो देवी मंदिर भारत में तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर के बाद दूसरा सर्वाधिक मानक धार्मिक तीर्थ स्थल है, और इस मंदिर की देखरेख श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ मंडल द्वारा ही की जाती है। और तो और, इस तीर्थ यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए अब उधमपुर से कटरा तक ट्रेन भी चला दी गई है। तो वहीं अब आगे आप सभी को बताते हैं कि इसकी यात्रा कहां से शुरू होती है। माँ वैष्णो देवी की यात्रा की शुरुआत कटरा से होती है, और दर्शनार्थी सबसे पहले कटरा ही आते हैं। और तो और, कटरा से एक निशुल्क यात्रा पर्ची मिलती है, और यही से चढ़ाई की शुरुआत होती है। गौर इस बात पर कि चढ़ाई करने के लिए पर्ची कटवानी आवश्यक होती है। साथ ही साथ कटरा से 14 किलोमीटर की चढ़ाई है। जी हाँ, कटरा से माता के भवन तक की चढ़ाई 14 किलोमीटर की है, और ये 14 किलोमीटर की लगभग खड़ी चढ़ाई है। यहाँ पर दर्शनार्थी यात्री को भी चढ़ाई करते रहते हैं। पर्ची लेने से करीब 3 घंटे बाद ही एक वाण गंगा नामक चेक पॉइंट पर पर्ची को ही दाखिल करवाना पड़ता है। उसके बाद 6 घंटे बाद रद्द हो जाती है पर्ची। जी हाँ,
छः घंटे के अंदर ये दाखिला करवाना बेहद ज़्यादा आवश्यक होता है, अन्यथा पर्ची रद्द हो जाती है और चढ़ाई की पूरी यात्रा में जगह जगह पर खाना और चाय कॉफ़ी इत्यादि की काफ़ी सारी व्यवस्था भी है। यहाँ पर रास्ते में अनेक जगह पर क्लॉक रूम है जहाँ पर दर्शनार्थी शुल्क पर, निर्धारित शुल्क पर ही अपना सामान रख सकते हैं। तो वहीं गोढ़े पिट्ठू से भी कर सकते हैं आप यहाँ पर यात्रा। जी हाँ, ये चढ़ाई चढ़ने के लिए घोड़े, पालकी और पिट्ठू इत्यादि उपलब्ध रहते हैं, जिसका किराया लगभग 250 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक होता है। वैसे एक और सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है, जो कि है हेलीकॉप्टर की सुविधा। जी हाँ, यहाँ कटरा से भैरवनाथ मंदिर के कुछ किलोमीटर दूर सांझी छत तक हेलीकॉप्टर की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है, जिसका किराया लगभग 1000 रुपये से लेकर 7000 रुपये तक होता है। और तो और, अधिकारी से मादा के भवन के लिए बैटरी कार भी उपलब्ध है। तो वहीं आपको ये भी जानकारी देते चलें कि माता के मंदिर से 3 किलोमीटर दूर भैरवनाथ का मंदिर है, और तो और ये 3 किलोमीटर भी चढ़ाई पर ही हैं। और तो और यहाँ पर भी घोड़े, पालकी, पिट्ठू या फिर इत्यादि निर्धारित शुल्क पर ही तैयार रहते हैं। आगे आपको बता दें कि माँ वैष्णो देवी, जिस जगह पर माँ वैष्णो देवी ने हटी भैरवनाथ का वध किया था, वो ही स्थान आज पूरी दुनिया में भवन के नाम से बेहद ज़्यादा ही प्रसिद्ध है। गौर हो इस बात पर कि स्थान पर माँ काली, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी पिंडी के रूप में गुफा में विराजित, और तो और इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही माँ वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। जी हाँ, भैरवनाथ की बात की जाए तो भैरवनाथ का वध करने पर उसका शीश भवन से ही 8 किलोमीटर दूर जिस स्थान पर गिरा था, आज उसी स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से ही जाना जाता है। और ऐसा भी कहते हैं कि माँ ने तपस्या के बाद ही भैरवनाथ ने उनसे युद्ध किया था, लेकिन भैरवनाथ ने उनसे क्षमा मांग भी ली थी, जिस पर माँ ने उन्हें माफ़ करते हुए आशीष दिया था। मेरे किसी भी भक्त की पूजा तब तक पूरी नहीं होगी जब तक कि लोग मेरे दर्शन के बाद तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे। तो वहीं इसीलिए माँ वैष्णो देवी के दर्शन के बाद लोग ज़रूर भैरवनाथ के दर्शन के लिए भी जाते हैं। नवरात्रि में लगता है यहाँ पर मेला। जी हाँ, माँ वैष्णो देवी के दरबार में नवरात्रि के 9 दिनों में ही प्रतिदिन लाखों की संख्या में ही बेहद ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं। और तो और कई बार तो श्रद्धालु की बढ़ती संख्या से ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है कि पर्ची काउंटर से यात्रियों पर्ची देना बंद ही करनी पड़ती है। जी हाँ, आखिरकार कैसे जाएं माता वैष्णो देवी की यात्रा, जम्मू से कटरा शुरू होती है। जी हाँ, जाने के लिए वहाँ पर कई सारी सुविधाएं हैं। आपको बता दें कि कटरा एक गांव है जो कि जम्मू से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। साथ ही साथ जम्मू तक नेशनल हाईवे 1A आता है, और तो और उत्तर भारत से आप टैक्सी या कार द्वारा जम्मू के कटरा भी आ सकते हैं। कब जाएं वैष्णो देवी, तो आपको बता दें कि माँ वैष्णो देवी के दर्शनार्थ वर्ष भर श्रद्धालु आते हैं, लेकिन यहाँ जाने का सबसे बेहतर मौसम गर्मी है। सर्दियों में भवन का न्यूनतम तापमान -3 से -4 डिग्री तक चला जाता है, और तो और इस मौसम से चट्टानों के खिसकने का भी काफ़ी ज़्यादा खतरा बना रहता है। सबसे बड़ी बात, कहाँ रुकें। जी हाँ, आपको बता दें कि माता के भवन में पहुँचने वाले यात्रियों के लिए जम्मू, कटरा और भवन के आसपास आदि स्थानों पर माँ वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की कई सारी धर्मशालाएं और साथ ही साथ होटल्स भी हैं। ये धर्मशालाएं माँ वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की हैं, और यहाँ पर कुछ प्राइवेट होटल भी उपलब्ध हैं। जी हाँ, इनमें एडवांस बुकिंग की सारी व्यवस्था भी हैं, जहाँ आप एडवांस बुकिंग करके भी यहाँ पर जा सकते हैं। दोस्तों, आप सभी ने जाना कि कैसे वैष्णो देवी घूमने के लिए भारत के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं, जहाँ काफ़ी ज़्यादा टाइम जो होता है इसका ट्रैवलिंग का, जहाँ बेस्ट टाइम भी होता है, तो वहीं वैष्णो देवी में जो टाइम पीरियड होता है सबसे ज़्यादा, उस टाइम पीरियड में कितने लोग जाते हैं, आप सभी ने ये भी जाना।
कैसे ये जगह अपने आप में बेहद खास है, कैसे सबसे ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, कैसे ये तीर्थ स्थलों में से एक है, तो वहीं यहाँ की क्या क्या प्राचीन चीजें और साथ ही क्या क्या प्रसिद्ध चीजें हैं, आप सभी ने ये भी जाना। जहाँ आपने जाना कि गुफा में क्या बदलाव आए हैं, यानी कि माता की गुफा में, और इसके अलावा कितना शानदार मौसम होता है इसके आसपास का। वेल दोस्तों, आज के इस बेहद खास प्रोग्राम ट्रेवल रिव्यू में इतना ही, जहां आज आप सभी ने वैष्णो देवी के बारे में जाना। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।